बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। जहां तक हमारी खबर के ब्रेक का सवाल है और अम्बरीश हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं इस खबर पर डिटेल्स देने के लिए। अम्बरीश बताएं कौन से सेक्टर के लिए बड़ी खबर लेकर आए आप? बिल्कुल, ये जितनी भी ऐसी कंपनी जो कि पावर इक्विपमेंट्स बनाती हैं, स्मार्ट मीटर बनाती हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने जो टारगेट रखा है 2023 दिसंबर तक का, उसमें ऐसी सारी जगह है जहां पर कि संचार का नेटवर्क पूरा पूरा है। इसके अलावा जहां पर जनरेशन लॉस 25 से 15% के बीच का है, इसके अलावा देश भर के सभी ब्लॉक स्तर के सरकारी सभी दफ्तरों को प्रीपेड इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर से रिप्लेस करना है, यानी कि सरकार ने अपना टारगेट प्रीपोन थोड़ा किया है। इसके अलावा प्रीपेड स्मार्ट मीटर की जो टारगेट है उसको और जल्दी करने का निश्चय किया है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने ये कहा है कि जिन जिन जगहों पर संचार के उपक्रम पहुंच गए, संचार माध्यम है, उन जगहों को सबसे पहले टारगेट करना है। उसका जो डेडलाइन रखा है वो 31 दिसंबर 2023 रखा है। इसके अलावा सरकार ने देश भर के लिए जो टारगेट रखा है वो 31 मार्च 2025 है, यानी कि सरकार के अनुसार 31 मार्च 2025 तक पूरे पूरे देश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये उन कंपनीज के लिए अच्छी खबर है जो कि स्मार्ट मीटर के बिजनेस में, जैसे कि स्नाइडर हो गया या फिर एचपीएल या फिर और जितनी भी इस तरह की कंपनी जो कि इस तरह के मीटर बनाती है। जी, बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। स्मार्ट मीटर का जो रोल आउट है वो और तेजी से बढ़ने वाला है। साल के अंत तक कुछ बड़े टारगेट्स रख दिए गए हैं। ऑफ कोर्स एचपीएल, इलेक्ट्रिक, श्नाइडर जैसी कंपनीज पर आपको रखनी है नजर, क्योंकि इस खबर का बड़ा फायदा इन्हें मिलेगा। इनफैक्ट इस खबर पर एक बार सिद्धार्थ जी की भी राय ले लें। सिद्धार्थ जी, स्मार्ट मीटर रोल आउट और अग्रेसिवली कर रहे हैं, अग्रेसिव डेडलाइन है, एंड ऑफकोर्स एचपीएल इलेक्ट्रिक इस खबर पर भी और आज नतीजों पर भी रिएक्ट कर रहे हैं, कोई राय सर इस काउंटर पर या इस खबर पर? देखिए दीपांशु, पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स की प्रक्रिया जारी है और इनमें से एक खबर ये है। मैं मानता हूं कि ये जो स्मार्ट मीटर की खबर है, इससे एचपीएल इलेक्ट्रिक पे तो बहुत पॉजिटिव रहेगा, स्नाइडर पे भी पॉजिटिव रहेगा। ये पूरा ही स्पेस, पावर स्पेस बजिंग रह सकता है आने वाले एक से दो सालों के लिए। हालांकि ये दोनों कंपनी में हमारी कोई रिपोर्ट या टारगेट नहीं है, बट मैं मानता हूं कि ये पावर सेक्टर में मीटर्स की कंपनियां, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जनरेशन, ये पूरा ही स्पेस बजिंग रहेगा। तो ये पूरा स्पेस बजिंग रहने वाला है, नजर रखिए। एचपीएल इलेक्ट्रिक, श्नाइडर इलेक्ट्रिक इन पर्टिकुलर इस खबर के बड़े बेनिफिशियरीज हैं। आइए, रेट्स भी हो गए सेटल और बाजार खुलने के लिए तैयार।